हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अनवे ठकराल ब्लॉग्स। गाइस, मेरे हाथ में है लैक्टोमीटर, मतलब दूध की प्योरिटी जांच करने का एक टूल। ये है एक कंटेनर, इसके अंदर है लूज मिल्क। इस चीज को देखकर आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। जी हाँ, आज हम आपको दिखाने वाले हैं दूध की प्योरिटी घर पर रहकर कैसे टेस्ट की जाती है। आपके घर में जो दूध आ रहा है, जो लूज मिल्क आ रहा है या ब्रांडेड भी आ रहा है, उसकी प्योरिटी को आप इस टूल से चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी तरह से समझ आ सके कि दूध की प्योरिटी को कैसे चेक किया जाता है। इस कंटेनर में हमने लूज मिल्क डाला है, जो दूध ये बोलते हैं कि उन्होंने प्योर मिल्क हमें दिया है। हमने इसमें वो दूध डाला है और इस लैक्टोमीटर पे कुछ नंबर दिए होते हैं, 10, 20, 30, 40 ऐसे करके। तो यहाँ पर 30 पे रेड कलर का एक साइन बना होता है, मींस वो डेंजर साइन है। अगर ये लैक्टोमीटर को हम दूध के अंदर छोड़ देते हैं, अगर ये लैक्टोमीटर 30 से ज्यादा नीचे डूब जाता है तो इसका मतलब उसके अंदर मिलावट है, वो प्योर दूध नहीं है। और उसके उसके लिए हम इस लैक्टोमीटर को भी टेस्ट करेंगे, लाइव टेस्टिंग करके दिखाएंगे। इसको हम डालते हैं इस मिल्क कंटेनर के अंदर और इसको देखते हैं कि कैसा होता है। ये हमने डाल दिया, इसके स्टेबल होने की वेट करते हैं कि ये कितना डूबा है और ये दूध प्योर है कि नहीं। गाइस, ये स्टेबल हो चुका है, देखिए। अब इसको किसी बड़े बर्तन में डाल सकते हो, ये 20 तक डूब गया है, मतलब कि इसके अंदर पानी की मिलावट की गई है जो कि हमें आंखों से देखने में पता नहीं चलती। वो इस टाइप के जो मीटर्स होते हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड मीटर्स होते हैं, उनसे ही हमें पता चल पाता है। तो ये दूध प्योर नहीं है जैसा कि उस दूध जी ने क्लेम किया था। ऐसे ही जो आपके घर पे दूध देने के लिए आता है वो सब झूठ होते हैं। सबको तो हम चलो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो आपके घर पे दूध लूज दूध देने के लिए आते हैं, आप उसको ऐसे करके चेक कर सकते हैं। हालांकि उनको भी ये ट्रिक मालूम है, वो दूध ये क्या करते हैं, दूध के अंदर से दूध निकाल लेते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं और दूध की प्योरिटी को बढ़ाने के लिए उसमें स्टार्च, यूरिया और दूसरी चीजें मिला देते हैं ताकि आपको पता ना चल पाए। आप दूध की जांच करना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड टेस्टिंग लैब से ही करवानी चाहिए ताकि आपको पता चल पाए कि जो आप पी रहे हैं, आपके बच्चे पी रहे हैं, वो दूध है या जहर है। ये सारा गवर्नमेंट से अप्रूव्ड टूल्स होते हैं जो आपको घर पे बैठे टेस्टिंग का फॉर्मूला देते हैं। गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना ताकि हम आपको और भी ज्यादा डीपली इसकी नॉलेज दे सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। अभी करते हैं हम इस वीडियो को यहीं पर एंड। अभी तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।